हेलो फ्रेंड्स, संदीप ज्ञान चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। और आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। यदि आप 8वीं और स्नातक यदि आपने कर रखी है तो आप इस भर्ती प्रक्रिया का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी कि इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें न्यूज में बताया है, इस फॉर्म को लेकर न्यूज में क्या बताया है। तो सबसे पहले इसमें यह बताया गया है कि राज्य में जो टोटल स्कूल्स हैं, आपको स्कूलों की संख्या बताइए 2109 राजकीय हाई स्कूल और इंटर कॉलेज है, यहां आपको ये टोटल इसमें आपको बताई है। और यहां प्रत्येक स्कूल और कॉलेज में 4 या इसमें 3 वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, 3 से लेकर 4 पदों का ये नोटिफिकेशन है। तो टोटल वैकेंसीज की यदि हम बात करें तो 5000 के समथिंग ये वैकेंसीज आपकी कंप्लीट होगी। इसके साथ इसमें फिर आपको बताया इंटर कॉलेज में चपरासी के 4000 से अधिक पद खाली है, यानी इंटर कॉलेज यहां इसमें बताया है इंटर कॉलेज के कितने पद खाली है, 4000 से ज्यादा। अभी आपको पता होना चाहिए कि कोरोना के बाद स्कूलों को रीओपन किया जा रहा है और यहां ये वैकेंसीज कंप्लीट करवानी होगी गवर्नमेंट को। इसके साथ साथ अन्य जो स्कूलें हैं जो या तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत है या राजीव गांधी योजना के अंतर्गत है, उन स्कूलों में भी चपरासियों की भर्ती प्रक्रिया की नियुक्ति होगी, गार्ड की नियुक्ति होगी, क्योंकि नाइट में जो है स्कूलों को शक्ति पहुंचाई जा रही है। तो इसको देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि नाइट गार्ड जो गार्ड और इसके साथ पियोन की वैकेंसी को जल्द कंप्लीट करवाया जाएगा। कितनी वैकेंसी आएगी तो यहां देख सकते हो 4512 सहायता प्राप्त जो विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 7589 पद रिक्त है। ये पद आपको कंप्लीट कितने हैं मिलेंगे, यानी कि 8000 के समथिंग वैकेंसीज आपको मिलेगी जो सहायता प्राप्त स्कूल हैं उनसे। तो यहाँ काफी सारी वैकेंसीज जो है फोर्थ ग्रेड की आने वाली है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और क्योंकि हम इस पे रिलेटेड वीडियो सबसे पहले बनाएंगे, तो और इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करना, और आप किस राज्य से हैं कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें ताकि हम आपको अपने राज्यों की जो गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन निकल रही है स्कूल की लेकर वो जानकारी दे सकें। इसके साथ फिर इसमें बताया शिक्षा विभाग की तरफ से राजकीय हाई स्कूल और इसके साथ इंटर कॉलेजों में 9852 पदों पर सहायक अध्यापकों की नियुक्ति भी की जाएगी। यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप सहायक अध्यापकों के लिए भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। और ये माना जा रहा है कि ये वैकेंसीज आपकी आने वाली है 1 जुलाई से, 1 जुलाई तक ये नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। ये केवल आपको टेंटेटिव इसमें बताया गया है, आधिकारिक जो जानकारी है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलेगा उसमें ही आपको पता चलेगी। तो फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत हो चुकी है, ये वैकेंसी जो है निकलना स्टार्ट हो गई है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये वैकेंसीज आपको मिल रही है। उत्तर प्रदेश का ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है, नोटिफिकेशन देख सकते हो 21 और 22 का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसमें आपको बताया है कौन कौन सी वैकेंसीज आपको मिल रही है, कितनी पोस्ट आपको यहाँ मिल रही है। तो यहाँ इसमें आपको बताया है कि आपको कौन कौन सी वैकेंसीज, गणित के टीचर की वैकेंसी, विज्ञान की टीचर की वैकेंसीज है, अंग्रेजी है, भाषा हिंदी है, कंप्यूटर टीचर की वैकेंसीज है, और यहाँ देख सकते हो स्काउट एवं गाइड एवं शारीरिक शिक्षा यानी कि PTI की वैकेंसीज है, और इसके साथ लेखाकार की वैकेंसीज है, रसोईया की वैकेंसीज है, और पियोन की वैकेंसीज आपको मिल रही है। और यहाँ कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जो है आपको बताए गए हैं कि 1 अप्रैल 2021 इसमें एज की गणना की जाएगी, और ये जो वैकेंसीज है 70/2021-22 की ये वैकेंसीज रहने वाली है। इसके साथ कैसे अप्लाई करना होगा वो डिटेल अभी हम आपको दिखाएंगे। तो ये इसका फॉर्म निकल के आया है, देख सकते हो फ्रेंड्स, ये इसका चयन है, तो आवेदन पत्र आपको बताया गया है। और ये वैकेंसीज बलिया से हैं, UP से वैकेंसीज आपको मिल रही है। अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम है, पति का नाम है, ये काफ़ी सारी जानकारी जो है आपको इस फॉर्म में अप्लाई करनी होगी, यानी कि आपको फॉर्म अच्छे से भरना है। और यदि आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट में जानकारी देंगे, आप तुरंत कमेंट कीजिए। और यहाँ देख सकते हो ये इसमें आपको फिर ये जो है चयन है, तो आवेदन पत्र बताया गया, कौन सी श्रेणी है, आपने ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएट 10th में आपने कितने प्रतिशत मार्क्स प्राप्त किए हैं, वो डिटेल्स आपको यहां देनी होगी। तो ये कंप्लीट फॉर्म आपको भर के भेज देना है। तो ये दो प्रकार के जो फॉर्म आपको बताए गए हैं, या इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.balia.nic.in पे जाके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि आप हमें जो है वेबसाइट नहीं बताते, तो वेबसाइट आपको दोबारा बता देते हैं। तो यहां देख सकते हो www.balia.nic.in पे जाके आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। सिलेक्शन कैसे होगा, मेरिट बेसिस पे आपका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। फॉर्म कैसे अप्लाई करना होगा, तो यहां इसमें कंप्लीट जानकारी बताई है, आपको कंप्लीट जानकारी बताइए कि आपको एक सब पता लिखा डाक, यहाँ डाक पता आपको संलग्न करना है जिसपे 39 रुपए की डाक टिकट हो, इसके साथ आपको भेजना होगा।